ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में नारद जी ने बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा की थी भगवान की अद्भुत महिमा के बारे में प्रचेताओं को, और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से जो लोगों के अंदर में कई बार भ्रम है, उस भ्रम को भी नारद जी जो है भागवतम में बड़े सुंदर उदाहरणों के द्वारा उस भ्रम को दूर करते हैं। तो हमने सुना था कि कई बार लोगों की ये धारणा है, देखिए दो प्रकार की धारणा है लोगों की, उनके अनुसार क्या है, वही नारायण नर बन जाता है, वही नारायण जानवर भी बन जाता है, मतलब जितने भी जीव हैं वही नारायण सब बन गया है। और दूसरी धारणा क्या है, वही नारायण जगत भी बन गया है। लोगों की ऐसी धारणा है, मतलब क्या है कि जगत में अगर मैं जगत को पूज लूं वो नारायण की ही उपासना है। और ये सब जो हम लोग देख रहे हैं कि एक आदमी किसी का खून कर रहा है, एक आदमी बलात्कार कर रहा है, यहां पर क्या है, उनके अनुसार वो लोग क्या कहेंगे, वही भगवान यहां पर दुरात्मा का रोल प्ले कर रहा है, विलियन का रोल प्ले कर रहा है, वो ऐसा कहेंगे आपको। और वही भगवान जो है माया बन गया है, जगत बन गया है। लेकिन हमने देखा नारद जी तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, नारद जी तो बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के बता रहे समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य की किरणें एक बराबर भी हैं और दोनों में भेद भी है, इसको क्या कहते हैं, देखिए चैतन्य महाप्रभु ने सही रूप से समझाया, भेद अभेद, दोनों चीजें हैं एक साथ में, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, एक साथ में भेद भी है और अभेद भी है। जैसे हमने कहा था सूर्य और सूर्य की किरणें दोनों में एक प्रकार से कोई भी भेद नहीं है, और भेद भी है, सूर्य अलग है, सूर्य की किरणें अलग है, बिना सूर्य के सूर्य किरणें नहीं आती है। इसी प्रकार से हमें ये समझना है, भगवान जगत नहीं बनता है, भगवान जीव नहीं बनता है, ये भगवान की दो अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। भगवान की माया शक्ति के द्वारा जगत का निर्माण होता है, भगवान की, भगवान को इसलिए कहते हैं अखिल शक्तियों का सार है, भगवान अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं भगवान में, उसमें से एक शक्ति है जीव शक्ति। जीव शक्ति वो भगवान का ही एक अंश है, लेकिन वो विभिन्न अंश कहते हैं। और भगवान का जो परमात्मा का अंश है वो भगवान का स्वयं का अंश है, उसको स्वांश कहते हैं। तो ये भगवान की शक्तियां हैं, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति। भगवान नहीं बन गया है, जैसे पिता पुत्र नहीं बनता है, पिता की कुछ शक्ति पुत्र में बदल जाती है, कुछ शक्ति पिता नहीं पुत्र बन जाता है। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, इसलिए
हमने उदाहरण दिया था जो नारद जी यहाँ पर समझा रहे हैं, उसको एक सरल उदाहरण के द्वारा हमने समझने का प्रयास किया था कि हम एक व्यक्ति को तीन प्रकार से उसका अनुभव कर सकते हैं। पहला, उसको डायरेक्टली देख करके। दूसरा, उसके पुत्र को देख करके, जो उसकी एक प्रकार की शक्ति है। तीसरा, उसकी कुछ वस्तुओं को देख करके। तो यही कृष्णा भावनामृत है, बहुत सरल है समझना। हम भगवान के दर्शन इस संसार में भी कर सकते हैं उनकी शक्तियों के द्वारा, केवल उनसे जोड़ना है कि ये भगवान की शक्ति है। जब हम अपने पुत्र की किसी वस्तु को देखते हैं, हमें अपना पुत्र याद आता है ना। हम जब किसी के पुत्र को देखते हैं, उसका पिताजी याद आता है ना। यही है बस। ऐसा नहीं है कि पुत्र ही पिताजी है, वो पैंट वो शर्ट वही पिताजी है, ऐसा तो नहीं है। उनसे जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। तो ये वेदों में बताया है भगवान का दर्शन कैसे करना है संसार में। तीन प्रकार से करना है। डायरेक्ट दर्शन भी कर सकते हैं। जब हम भक्ति में बढ़ जाएंगे, प्रेम जब भगवान से आ जाएगा, आपको हर एक जगह पर भगवान नजर आ जाएगा। हर एक के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठा हुआ दिखाई दे जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आप एक योगी बन गए हैं, आप भगवान से प्रेम करते हैं, आप भक्ति में आगे बढ़ गए हैं। मान लीजिए आप एक शेर को देख रहे हैं, एक शेर वहां पर खड़ा हुआ है, तो क्या आप देखेंगे कि ये शेर भगवान ही है? ऐसा नहीं है, ये गलत अभिप्राय है। ऐसा नहीं है कि वही नारायण शेर बन गया है। हमको कैसे देखना है? हमें इस प्रकार से देखना है, भाई ये जो शेर है इसमें तीन चीजें हैं, तीन चीजों को देखना है। पहला क्या देखना है? इस शेर के अंदर में, हृदय में परमात्मा विराजमान है। मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है, जब मैं भगवान से प्रेम करना सीख लूंगा तब मुझे परमात्मा हर एक वस्तु में दिखाई दे जाएंगे। तो एक व्यक्ति जो भगवान से, जिसने प्रेम करना सीख लिया है, वो क्या देखेगा? जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ चुका है वो कैसे देखेगा? एक शेर को देख रहा है, एक कुत्ते को देख रहा है, कैसे देखता है? वो देखेगा इस कुत्ते के अंदर में भी परमात्मा बैठा है, इस शेर के अंदर में भी परमात्मा बैठा है। तो भगवान बड़ा दयालु है, सबके हृदय में भगवान वास करता है। ये हो गए भगवान के डायरेक्ट साक्षात दर्शन। इनडायरेक्टली कैसे देखता है? देखिए, वो ये भी देखेगा कि इस शेर की हृदय के अंदर में एक आत्मा भी बैठी है, इस कुत्ते के हृदय के अंदर में परमात्मा के साथ में आत्मा भी बैठी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेदों में कहा, ये उपनिषद में कहा है, उपनिषद में कहा है। ये उदाहरण दिया है, शरीर एक पेड़ के बराबर है, इसकी टहनी पर हृदय में दो पक्षी बैठे हैं। कहीं पर भी नहीं कहा है एक पक्षी बैठा है, कहीं पर भी नहीं कहा है दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। तो जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो दर्शन किस किस के करेंगे? एक दर्शन हम करेंगे भगवान के परमात्मा के रूप में, और हम देखेंगे कि इसी हृदय के अंदर में आत्मा भी बैठी है। और हम ये पहचान पाएंगे कि भाई ये आत्मा जो है, अपने कर्म के कारण आज इसे कुत्ते का शरीर मिला है। आज ये जो दूसरी आत्मा, जो ये आत्मा कहां पर बैठी है? ये आत्मा बैठी है शेर के शरीर के अंदर में, इसे अपने कर्म के कारण शेर का शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए हमने देखा ना, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी पंडिता समदर्शिना। पंडिता बराबर कैसे देखता है? इसी प्रकार से देखता है कि भाई आत्मा तो एक ही क्वालिटी की है, सब भगवान के ही अंश हैं, लेकिन एक आत्मा, इसने अपने कर्म ऐसे किए हैं आज इसको कुत्ते का शरीर मिला है,
एक को बिल्ली का मिला है, एक को शेर का मिला है, एक को ब्राह्मण का मिला है, एक को चंडाल का मिला है। तो ये हमें समझना है। तो उसमें भी वो भगवान कैसे देखता है, वो देखता है कि भाई ये आत्मा हो सकती है अभी इग्नोरेंस, अंधकार, अज्ञान से भरी है, लेकिन आखिरकार है तो भगवान का अंश ही, भगवान का अंश है ना। तो इस प्रकार से भगवान से जुड़ा देखता है कि भाई ये भी मेरा भाई है, क्योंकि मैं भी भगवान का अंश, ये भी भगवान का अंश। तो उस प्रकार से वो भगवान को उसमें भी देखता है कि ये मेरे भगवान का ही अंश है, ये भगवान है नहीं देखता है। ये जो मायावादी हैं, ये कहते हैं आत्मा भी अलग नहीं, परमात्मा भी अलग नहीं, शरीर भी अलग नहीं, सब भगवान है। ऐसा नहीं है, तीनों में भेद है और अभेद भी है। तो ये हमने देख लिया है ना, भेद क्या है। जैसे सूरज और सूरज की किरणों में भेद भी है, अभेद भी है, इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा में भेद भी है, अभेद भी है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं है, ये भी हमें समझना है। तो उसमें भी भगवान को देखा कि ये भी भगवान की शक्ति है ना, इसलिए हम उसमें भी भगवान को उस प्रकार से देखते हैं, ये भगवान है नहीं देखते हैं, ये भी भगवान की शक्ति है, जीव शक्ति है। और कैसे देखता है, देखिए तीसरा क्या देखेगा। तीसरा देखेगा कि इसने जो ये शरीर प्राप्त किया है, ये माया शक्ति है, ये पंचभूतों की बनी है। भगवान भगवद्गीता में क्या कहते हैं, पंचभूत क्या है बताइए, भूमि रापो नल वायु खम मन बुद्धि रेव च भिन्ना प्रकृति में अष्टधा। भगवान कह रहे ये मेरी ही प्रकृति है, ये मेरे ही, ये जो पंचभूत हैं, ये मेरी शक्ति है, लेकिन कौन सी शक्ति है, भिन्न शक्ति है। तो भगवान की शक्ति है, तो उसमें भी हम उस प्रकार से भगवान को देख सकते हैं कि ये भगवान की शक्ति है। एक मान लीजिए एक महल में, हम कहते हैं राजा का महल है, ठीक है। अब राजा उस महल में बहुत सारे कमरे होते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको हर एक कमरे में रहना है तभी वो राजा का महल कहलाएगा, ऐसा नहीं है। राजा उस महल के अंदर में अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में रहता है। इसी प्रकार से भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, लेकिन बाकी कमरे भी राजा के ही हैं। इसी प्रकार से ये भौतिक संसार भी भगवान का ही है। तो साइंटिस्ट लोग वो तो नास्तिक हैं, वो तो नहीं देख पाते हैं इसमें भगवान को, हमें देखना है। ये भगवान ने भगवद्गीता में सिखाया कैसे देखना है, भगवान की शक्तियों को कैसे देखना है। भगवान कहते हैं पानी तो सब लोग पीते हैं, हम लोग सब पीते हैं ना पानी, बिना पानी के कौन जीवित रहता है। जब हम पानी पिए तो हमें याद रहना चाहिए कि ये जो प्यास बुझाने की शक्ति है, ये भगवान है, ये भगवान की ही शक्ति है। भगवान कहते हैं प्रभास्मि शशि सूर्यो हो, ये जो सूरज की रोशनी हम लोग देखते हैं, ये भी भगवान की ही शक्ति है। सवेरे सूरज की रोशनी, शाम को चंद्रमा की रोशनी हम लोग देख सकते हैं, और पृथ्वी में जो सुगंध आती है अनेकों फूलों के द्वारा, भगवान कहते हैं पृथ्वी गंधा, जो पृथ्वी की जो सुगंध आती है फूलों के द्वारा, भगवान कहते हैं वो भी मैं हूँ। और जो हम लोग पानी पीते हैं, रसम रसो अपसु कौन तेया, रसो हम अपसु कौन तेया, ये जो पानी का जो रस का स्वाद है, भगवान कहते हैं ये भी मैं हूँ, ये भी भगवान की शक्ति है। तो इस प्रकार से हम भगवान को हर एक जगह देख सकते हैं, कठिन नहीं है। लेकिन ऐसा सोचना ये जगत ही भगवान है, ये गलत है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, देखिए उन लोगों की धारणा क्या होती है, देखिए उनकी धारणा, उनमें उनके अंदर में कितना भेद होता है, उनमें कितनी अज्ञानता होती है, आप देखिए। वो कहते हैं, इसी के कारण वो लोग कहते हैं कि
पत्थर पूजत हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। वो लोग सनातन धर्म के बारे में देखिए क्या विचार करते हैं। सनातन धर्म में हम मंदिरों में जाकर के भगवान की विग्रह की उपासना करते हैं। वो विग्रह जो है पहले तो भगवान की ही शक्ति है। वो पत्थर हुआ, पत्थर की विग्रह हो सकती है, पंच धातु की विग्रह हो सकती है, लेकिन भगवान जब उसमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो भगवान स्वीकार करते हैं कि मैं इसके अंदर में विराजमान रहूंगा, जो भक्त लोग आएंगे उनकी सेवा ग्रहण करने के लिए। पहाड़ में भगवान है उसका कोई डाउट नहीं है, परमात्मा हर एक जगह है, लेकिन वहां पर भगवान व्यक्त नहीं है कि कोई भी आकर के मुझे फूल चढ़ाएगा पहाड़ को तो मैं स्वीकार करूंगा। दोनों में अंतर है। तो ये मूर्खता है जो लोग कहते हैं कि पत्थर पूजत हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये मूर्खता है। तो ये हमको सही प्रकार से समझना है कि भगवान और भगवान की शक्तियों में भेद भी होता है और अभेद भी है। इसको कहते हैं भेद अभेद तत्व। इसको सही प्रकार से हमें समझना है। नारद जी यही समझा रहे हैं। ये जगत भगवान नहीं है, लेकिन इस जगत में हम लोग भगवान का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। और इस जगत में भी भगवान है, हर एक अणु में अपने परमात्मा के रूप में है। इस जगत में भी भगवान है जीवों के रूप में, लेकिन जीव भगवान नहीं है, वो भगवान का अंश है, भगवान से भिन्न नहीं है। एक प्रकार से अभेद भी है और भेद भी है। तो ये हमें सही प्रकार से समझना है। और आगे अब नारद जी क्या समझाते हैं इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।